देवभूमि उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, वर्तमान में यहां पर चारधाम यात्रा संचालित की जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु देश और विदेश से लगातार पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस उन सभी श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में लगातार मदद कर रही है। लेकिन इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु ना बनकर अमर्यादित तरीके से आ रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी उत्तराखंड पुलिस उनको सबक सिखाने को तैयार है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पिछले एक महीने के भीतर उत्तराखंड पुलिस अभी तक 21,000 लोगों का चालान कर चुकी है, जिसमें 506 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और तकरीबन 50 लाख का जुर्माना भी वसूला जा चुका है। हमारी सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि आप लोग देवभूमि में श्रद्धा के साथ आइए, चारों धामों में दर्शन कीजिए और अपनी यात्रा का पूरा लुत्फ उठाइए, लेकिन किसी भी अमर्यादित हरकतों से जरूर बचें।